देश की राजधानी में लड़कियां महफूज नहीं हैं। आए दिन दिल्ली में बलात्कार और लूटपाट की वारदात होती रहती, लेकिन अब जल्द ही इस पर काबू पाने के लिए बाजार में ऐसी घड़ी उतरेगी जो मंचलों को सलाखों तक पहुंचाएगी। करंट मारने वाली घड़ी, फोटो खींचने वाली घड़ी, अलर्ट मैसेज भेजने वाली घड़ी, घटना की लोकेशन देने वाली घड़ी, मंचलों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब बाजार में वो हाईटेक घड़ी आने जा रही है जो लड़कियों की सुरक्षा में काफी मददगार साबित होगी। ये घड़ी हमलावरों को पुलिस थाने तक सबूतों के साथ पहुंचाने में भी कारगर है। नीले रंग की गोल आकार वाली घड़ी का वजन बहुत कम है, जिसे एंटी मोलेस्टेशन डिवाइस का नाम दिया गया है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल रोहिणी में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र मनु चोपड़ा ने इस घड़ी को जून 2011 में बनाया। इसे 11 नवंबर 2011 को IIM अहमदाबाद में पेटेंट करते हुए मनु को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया। ये एक एंटी मोलेस्टेशन डिवाइस है जो बेसिकली नर्व कंडक्शन पे काम करता है। जब भी किसी औरत को कोई लड़का छेड़ता है, औरत की जो फीमेल की जो मसल्स होती है वो इस रेट से मूव करती है कि वो जो रेट होता है 119 मीटर पर सेकंड क्रॉस कर जाता है। इस रेट पे ये जो घड़ी है ये एक्टिवेट हो जाती है। इसमें एक नर्व कंडक्शन वेलोसिटी चिप है। ये चिप एक तो पहले मेजर करती है नर्व स्पीड को, फिर एक शॉक देती है, एक करंट देती है 0.8 एम्पीयर्स का। इस करंट पे जो लड़का होता है वो 5 मिनट के लिए पैरालाइज हो जाता है। इस घड़ी की खासियत है कि ये लड़कियों के नर्वस सिस्टम पर काम करती है। वॉइस कमांड मिलते ही ये हमलावर को बिजली के झटके देना शुरू कर देती है। यही नहीं, ये बिना रुके पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें भी कैद कर दी जाती है। घड़ी में लगे SOS मैसेज और GPS सिस्टम से नजदीक के पुलिस थाने और पीड़ित की करीबियों तक खतरे की जानकारी भी दे देती है। जल्द ही ये डिवाइस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद से फाइनल टेस्टिंग के बाद भारतीय बाजारों में उतरेगी। लड़की उस हालत में नहीं होती कि वो डिस्क्राइब कर पाए उस बंदे को, उतने बड़े शौक से जा रही होती है। तो इसके अंदर एक कैमरा फिटेड है जो अलग अलग जैसे जैसे हाथ चलेगा तो अलग अलग एंगल्स में वो कैमरा खींचता रहेगा। इस वॉच के अंदर एक फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, वो फेस को डिटेक्ट करते नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भेज देती है। राजधानी के इस माहौल में ये डिवाइस आने वाले वक्त में लड़कियों के लिए मददगार तो साबित होगी ही, वो हमलावरों की पहचान भी आसानी से उजागर कर देगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये डिवाइस बलात्कार और लूट की घटनाओं को कितना कम कर पाती है। कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा होता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में यह एंटी मोलेस्टेशन डिवाइस किसी रामबाण से कम नहीं साबित हो सकती। बहरहाल ये घड़ी तो अब पेटेंट हो चुकी है, लेकिन इस घड़ी को बनाने वाले मनु को इंतजार है तो इस घड़ी के बाजार में उतरने का। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितनी जल्दी ये घड़ी बाजार में उतरती है, जिससे कि अपराध और बलात्कार के आंकड़ों का ग्राफ कम हो सके। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन नवीन जोशी के साथ नवीन सूरी।